हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया आर्ट गैलरी। और आज के इस वीडियो का टॉपिक मैंने लिया है मंडला आर्ट। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे बना लेती हो इतना आसानी से आर्ट। तो दोस्तों, आसान तो कुछ भी नहीं होता है, बट कुछ ट्रिक्स होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मंडला बनाने के लिए जो हमें ज़रूरत होगी वो है पेंसिल, कंपास, स्केल और बूस्टर ब्लैक जेल पेन। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल ब्लैक जेल पेन भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कंपास को यूज कर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों, मंडला में हमेशा छोटी सर्कल पहले बनाएंगे और फिर उसके बाद दूसरी सर्कल उससे बड़ी, और फिर इस तरह से आप जितनी बड़ी मंडला बनाना चाहते हैं उस हिसाब से सर्कल बनाते जाइए। याद रखिए कि सबसे पहले छोटी सर्कल बनाएंगे और उसके बाद बड़ी और उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। जैसे कि मैंने अपना सर्कल यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब इसे सिंपली आप प्लस साइन में पहले डिवाइड करेंगे। बीच वाले सर्कल को मतलब उसको एम में लेकर और प्लस साइन डिवाइड करेंगे इस तरह से, और फिर इंटू का साइन बनाएंगे इस तरह से। तो ये मेजरमेंट आप बहुत ही आराम से और केयरफुली कीजिए, क्योंकि इसी मेजरमेंट की वजह से आपकी मंडला जो है वो खूबसूरत बनेगी। अगर ये सही से नहीं हुई तो फिर मंडला खूबसूरत नहीं लगेगी और जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे वो ठीक से नहीं आएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मेजरमेंट जो है पहले अच्छे से आराम से और सही सही ले लें। तो चलिए अपनी सर्कल से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ सर्कल में एक फ्लावर का डिज़ाइन दे रही हूँ और इस तरह से हम एक एक पत्ती बनाएंगे। सारे पत्ते इक्वल साइज़ में जा रही है क्योंकि मेरे मेज़रमेंट सही है। दोस्तों, ये जो मंडला का मेज़रमेंट मैंने लिया है इस तरह से प्लस और इनटू साइन लेकर, ये बहुत ही इजी टेक्निक है एक अच्छा और सिंपल मंडला बनाने के लिए। नहीं तो इसके लिए बहुत ही ख़ास तरह का स्केल आता है जिससे आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो क्योंकि ये मैं सिंपल मंडला यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ और ये मेरा सिंपल टेक्निक के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब घर पर बनाएं, और अगर आपके पास ऐसा कोई टूल्स नहीं है मंडला का तो आप स्केल की सहायता से इस तरह से मंडला का मेज़रमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ वो बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है। आप हर किसी मंडला आर्ट में ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है। अब हम लोग दूसरे वाले सर्कल को भी इसी डिज़ाइन से भर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हर एक जो सर्कल आपने बनाया है उसे अलग अलग डिज़ाइन से भरना होता है और इसी तरह से एक अच्छा मंडला तैयार हो जाता है। और ज़्यादातर इसमें इसी तरह का लिप्स वाला जो है पैटर्न, पत्तियों वाला, वो ज़्यादा देखने को मिलता है और वही मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक सिंपल और इजी मंडला बना रही हूँ जिससे आपको बनाने में ज़्यादा आसानी हो। जैसा कि यहाँ पे मैंने दूसरा वाला सर्कल को भी पूरा पत्तियों से भर लिया है, अब उसके बाद वाले सर्कल को भरेंगे। बट यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये दोनों पत्तियों के बीच से हम डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। मीन्स ये जो डिज़ाइन मेरा निकला मतलब दूसरे वाले सर्कल में, वो मैंने दोनों पत्तियों के जो टॉप लेवल है उससे मैंने पत्ती को ड्रॉ किया है, ताकि वो पैटर्न एक दिखे और पैटर्न खुल कर दिखे, अच्छा दिखे। यही पैटर्न, इसी तरह से इस पैटर्न को मतलब यूज करते हैं मंडला में,
यही एक खूबसूरती लाता है मंडला में। आप भी ऐसा ही यूज़ कीजिए, मतलब पत्ती के ऊपर पत्ती नहीं बनाना है। एक लेयर में जब आप पत्ती बना लेते हैं तो अगर दूसरे लेयर में भी पत्ती ही डालना है तो हमेशा पत्ती के टॉप लेवल से, दो पत्ती के टॉप लेवल से ऊपर वाले लेयर का पत्ती को ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर किया है। तो ये देखिए एकदम से इजी और सिंपल मंडला तैयार हो गया है और ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो यहाँ पर वो ध्यान रखना है कि वो पत्तियों वाला जो पैटर्न है ना, उसको उसी तरह से बनाइए जैसे कि मैंने इस वीडियो पे आपको बताया, तभी वो डिज़ाइन अच्छे से दिखेगा। अब मैं इसमें मार्कर पेन से उसको पूरा ओवरलैप कर लूँगी ताकि वो अच्छा दिखे, और उसके बाद जो पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया है उसे इरेजर से मिटा दूँगी, और उसके बाद आप जो भी चाहे कलर और डिज़ाइन इसमें भरिए। डायरेक्ट कभी भी कोई मंडला आप मार्कर पेन से नहीं बनाइए, क्योंकि वो एक बार ख़राब हो जाता है तो फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद मार्कर पेन से ओवरलैप कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। अब आप इस पर कलर भर सकते हैं या डिज़ाइन बना सकते हैं कुछ भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल कलर फिल कर जो ये मंडला बनाया है ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, सिर्फ पत्तियों में कलर डाल दीजिए अलग अलग, या फिर मैंने जैसे यहाँ पत्तियों का डिज़ाइन लिया था तो मैंने एक इस तरह से ट्रायंगल का डिज़ाइन लेकर ये मंडला तैयार किया था, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब एक ही पैटर्न आपके जाकर सारे सर्कल में मैंने डाला है तो ये भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और अगर आप इससे एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं तो इस तरह से एक मंडला मैंने बनाया है जो पूरा छोटे छोटे डिज़ाइन से भरा हुआ, पूरा पत्तियों को मैंने छोटे छोटे डिज़ाइन से भरा है, और ये इसमें मैंने दो कलर यूज किया है, पर्पल और पिंक। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, और इससे भी थोड़ा और ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं तो ये मैंने एक बड़े से पेपर में बड़ा मंडला ड्रॉ किया है। दोस्तों मंडला का कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड आर्ट है, आप इसमें चाहे जितना भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और मंडला बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।